हेलो दोस्तों, नमस्कार आप सभी को। आप सबका, बहुत सारे लोगों का क्वेश्चन आता था, बहुत सारे चैलेंजेस थे लोगों को कि जब हमारे जो कॉस्मेटिक्स की सीरीज आई है तो हमारे पास हिल्स एंड बीचेस का भी मॉइस्चराइजर आ गया, हमारे पास में क्वार्ट्सी का भी मॉइस्चराइजर है, हमारे पास में एम्बर वन का भी मॉइस्चराइजर है, तो हमको कौन सा प्रोडक्ट कहाँ यूज़ करना चाहिए, पहले तो ये कन्फ्यूज़न था। मैं थोड़ा सा एक बहुत शॉर्ट वीडियो में आपको बहुत क्लियर बता देता हूँ कि कौन सा प्रोडक्ट कहाँ यूज़ करने से बेहतर रिजल्ट्स आपको मिल सकते हैं। एक चीज़ तो पहले मैं इसको शुरू करने से पहले मैं सारे प्रोडक्ट के बारे में आपको बता रहा हूँ, लेकिन थोड़ा सा आपको इस चीज़ समझ लेना है कि हमारा जो क्वार्ट्सी सीरीज़ है और जो हमारा डर्माट की जो सीरीज़ लॉन्च हुई है जिसमें हिल्स एंड बीचेस भी है, हिल्स एंड बीचेस का है, इस ये एक नॉर्मल कॉस्मेटिक्स नहीं है जो मार्केट में मिलता है। ये पूरी तरह से डर्मेटोलॉजिकली टेस्टेड है, ह्यूमन स्किन के ऊपर इसका टेस्ट किया हुआ है। साथ में ये नैनो टेक्नोलॉजी और एक्वा बेस्ड है। इसका मतलब क्या है? नैनो टेक्नोलॉजी मतलब ये है कि हमारी स्किन की जो तीन अंदर की लेयर है वो अलग अलग लेयर्स में अलग अलग पोर साइज होता है। सबसे ऊपर वाली जो लेयर है उसका पोर्स थोड़ा सा बड़ा होता है, उसके कम, उससे नीचे वाली उसका पोर्स थोड़ा कम होता है और सबसे नीचे वाली का पोर्स सबसे कम होता है। तो आपका जो भी कॉस्मेटिक है वो अगर आपकी स्किन को हीलिंग देना चाहता है, अगर उसको ट्रीटमेंट देना चाहता है, तो आपकी अलग अलग कंटेंट, सेकंड लेयर को कौन सा कंटेंट चाहिए, थर्ड लेयर को कौन सा कंटेंट चाहिए, इस पर रिसर्च किया हुआ है। जिससे जब हम वो उसको लगाते हैं तो एक्वा बेस्ड और नैनो टेक्नोलॉजी होने से आपके पोर साइज से इसके जो पार्टिकल्स हैं वो कम है, इसकी वजह से वो अंदर चला जाता है। नॉर्मल मार्केट में देखते हैं जब आप लगाते हैं तो ऊपर ही ऊपर वो रह जाता है, सिर्फ दिखने में शुरुआत में आपको बड़ा अच्छा ग्लो दिखेगा, लेकिन वो लॉन्ग टर्म पे स्किन को नुकसान पहुंचाता है और फायदा तो कुछ होता ही नहीं, उल्टा नुकसान पहुंचा देता है। इसकी खासियत है ये ट्रीटमेंट भी देता है। क्या है, अब कैसे यूज करना है, मैं आपको बताने जा रहा हूं। सबसे पहले क्वार्ट्सी के हमारा क्लींजर, टोनर, मॉइस्चराइजर एंड लोशन, ये चार चीजें हैं क्वार्ट्सी में। तो उसको यूज कैसे करना है, सबसे पहले तो आपने क्या करना है, सुबह शाम चेहरा धोने के बाद चेहरे को क्लींज करना है, ये क्लींजर यूज करना है, जिससे चेहरे को आप हल्का सा पानी लेके क्लींजर से अच्छा वॉश कर लीजिए, एक आध मिनट रोकिए उसको और उसके बाद में ठंडे पानी से उसको धो लीजिए, हल्का सा टॉवल से उसको सुखा लेना है, ये हो गया क्लींजर। इसके बाद में हमारा आपको यूज करना है टोनर। टोनर यूज करना है, ये टोनर स्प्रे बेस्ड है, ये इस तरह से इसको दबाएंगे तो आपको चेहरे पर हल्का 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 सा ऐसे गर्दन तक इसको स्प्रे कर लेना है। पहले क्लींजर से चेहरा धो लेना है, सुखा लेना है, उसके बाद में टोनर लेना है, आपका टोनर लेना है जिसको स्प्रे करना है, स्प्रे करके हल्का हल्का सा इस तरह से उसको थपक लीजिएगा ऐसे ऐसे करके, जिससे वो अंदर एब्जॉर्ब हो जाए। और तीसरा फिर हमारा पार्ट आता है, वो होता है मॉइस्चराइजर। ये मॉइस्चराइजर अब आपको कौन सा, देखिए अब हिल्स एंड बीचेस का भी एक बेहतरीन प्रीमियम मॉइस्चराइजर, अभी हिल्स एंड बीचेस अभी मेरे हाथ में नहीं आया, मैं जिस दिन वीडियो बना रहा हूँ ऑर्डर लग चुका लेकिन अभी हाथ में नहीं आया इसलिए मैं दिखा नहीं पा रहा हूँ। हिल्स एंड बीचेस बहुत ही प्रीमियम क्वालिटी का हमारा मॉइस्चराइजर यूज हुआ है। अब क्वार्ट्सी का मॉइस्चराइजर आपको कब यूज करना है, अगर आपकी स्किन ज्यादा डैमेज है, यानी उसमें बहुत सारी झाइयां हैं, बहुत सारे रिंकल्स हैं, कई बार एजिंग की वजह से गड्ढे पड़ जाते हैं स्किन में, ब्लैकिश हो जाती है स्किन, मतलब जगह जगह धब्बे हो रहे हैं, मतलब बहुत ज्यादा डैमेज अगर हो गई है, तो वहां पर आपको सुबह शाम ये क्वार्ट्सी का मॉइस्चराइजर यूज करना है जो स्किन को रिपेयर करने में मदद करता है। और अगर मैं बात करूं जो हमारा हिल्स एंड बीचेस का जो मॉइस्चराइजर आया है वो मॉइस्चराइजर क्या काम करता है, अगर आपकी स्किन में ज्यादा डैमेज नहीं है, उसका टोनिंग सही है, तो हमें क्लींजर एंड टोनर लगाने के बाद, याद रखना दोनों मॉइस्चराइजर यूज करने से पहले क्लींजर एंड टोनर, आफ्टर दैट मॉइस्चराइजर। तो हमारा पहला वाला मॉइस्चराइजर जो मैंने बताया क्वार्ट्सी का, वो तो ज्यादा स्किन डैमेज है तब यूज करना है, और हमारा हिल्स एंड बीचेस का अगर आपकी स्किन टोन्ड है लेकिन उसमें ग्लो चाहिए, उसमें ब्यूटीफुल टोनिंग चाहिए, ग्लो चाहिए और स्मूथनेस चाहिए, तो उसके लिए हमारा हिल्स एंड बीचेस का यूज होगा। तो तरीका ज्यादा बेहतर ये होगा कि आप सुबह के टाइम क्लींजर टोनर लगाने के बाद में हमारा ये वाला मॉइस्चराइजर लगा लें, राइट, या कोई भी एक, या तो हिल्स एंड बीचेस का लगा लें या ये वाला लगा लें हमारा क्वार्ट्सी वाला, और शाम के टाइम क्लींजर टोनर करने के बाद में
हमारा हिल्स एंड बीचेस लगा ले, सुबह ये लगा लीजिए, शाम को हिल्स एंड बीचेस लगा लीजिए। इस तरह अगर आप यूज करते हैं तो आपको दोनों डैमेज भी रिपेयर होता है और स्किन टोन्ड और स्किन में ग्लो और व्हाइटनेस भी आना शुरू होगी, मतलब ग्लोनेस आना शुरू हो जाएगी। इस तरह से आप इन दोनों का कॉम्बिनेशन यूज करेंगे तो बहुत बेहतर रिजल्ट होगा। इसके अलावा आप जो हमारा इस ये सनस्क्रीन देखते हैं ना, इसको आप बिल्कुल हिल्स, ये सनस्क्रीन की खासियत मैं आपको बता, SPF 50 बहुत ही शानदार सनस्क्रीन है। आप सोचिए इसकी प्राइसिंग देखिएगा तो इस क्वालिटी का आपको 800-1000 रुपए से कम का नहीं मिलेगा मार्केट में। ये हमारा जो आप देख रहे हैं सनस्क्रीन, इसको भी आप मॉइस्चराइजर लगाने के बाद में दिन में अगर बाहर जा रहे हैं धूप में तो ये जरूर लगाइए। इसको एज ए क्रीम भी यूज कर सकते हैं, नॉर्मल क्रीम की तरह भी यूज कर सकते हैं। और एक हमारा जो लोशन होता है, ये लोशन का यूज आप देखते हैं, हमारा जो स्किन है, जो हमारा जो हाथ पैर है, यहां पर अगर नॉर्मल स्किन, चेहरे के अलावा जहां भी आपको, हालांकि चेहरे पे अभी आप इसको लगे लेकिन चूंकि आप मॉइस्चराइजर लगा रहे हैं ऑलरेडी, तो इसको आप हाथ पैरों में को फटने से और इसको या हाथ पैर की स्किन को रफ होने से बचाता है। डेली नहाने के बाद आप इस लोशन को यूज कर सकते हैं। तो इस तरह से हमारे ये प्रोडक्ट का अगर ये कॉम्बिनेशन के साथ आप यूज करते हैं, यकीन जानिए 3 से 6 महीने के यूज के बाद में अनबिलीवेबल चेंजेस आप अपनी स्किन के अंदर देख सकते हैं। आप ज्यादा से ज्यादा लोगों तक इस वीडियो को शेयर करके अपनी टीम के लोगों को शेयर कीजिए ताकि उनको सही जानकारी मिल सके। सो विश यू ऑल द बेस्ट, थैंक यू वेरी मच।